Hi everyone, hope you all must be doing great. So let's start with question number 5. अगर अभी तक कुछ students के पास ये file नहीं है, they can check the description box. वहाँ पर आपको इस file के लिए link मिल जाएगा. And the students who are unaware कि ये practice session क्या चल रहा है, they can watch the video number 1. Again, I am giving the link in this description. So coming to question number 5, जो इतना मुश्किल question है नहीं, it says, Ms. Gomki purchased a house property. So there is an assessee, an individual assessee, and she purchased a house property of rupees 49 lakh on 1st May 2016. The value of the property is 49 lakh. The property is used exclusively for residential purpose. Yani ki inhone apna ghar kharida hai. For this, she has taken a loan from DHFL of rupees 35 lakh. 35 lakh ka loan liya gaya at rate of 14% per annum on 1/4/2016. And she does not own any other house. Pusha kya hai? क्या हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? ये ध्यान से हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. वो आपसे पूछ रहा है, स्टेट विद ब्रीफ रीजंस द डिडक्शंस दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस गोमती इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर असेसमेंट ईयर 1920. यानी कि हमारे एग्जाम्स के लिए जो मई 19 के लिए असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है 1920, वहां पर आपको बताना है कि कितनी डिडक्शंस वो इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ले पाएंगे. सबसे पहले अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो यू कैन टेक डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B. तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे दैट दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि इन्होंने यहां पर एक लाइन दी है, शी डज नॉट ओन एनी अदर हाउस. सो आई विल एज्यूम दैट दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसके ऊपर 24B में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है. पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए. 35 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट मानेंगे, उसके ऊपर 14% विच कम्स टू अराउंड 4,90,000. क्या इनको 4,90,000 की रिडक्शन 24B में मिल जाएगी? नहीं. इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो यहां पर 24B लिमिटेड है ₹2 लाख. तो हमने ये अजम्पशन ली है इट्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, देयरफॉर 24B में इनको इस साल रिडक्शन मिल जाएगी ₹2 लाख की मैक्सिमम. तो आउट ऑफ 4.9 लाख सिर्फ ये 2 लाख की रिडक्शन 24B में ले पाएंगे. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन 80EE बोलता है कि असेसी को हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन के ऊपर 50,000 की एडिशनल डिडक्शन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ द असेसी सैटिस्फाइज सर्टेन कंडीशन. कंडीशन नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी जो परचेज की है उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा ना हो. इस केस में 49 लाख है, फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड. लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा ना हो, इस केस में 35 लाख है, सेकंड कंडीशन सैटिस्फाइड. थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, लोन सैंक्शन हुआ हो 1st अप्रैल 2016 टू 31st मार्च 2017 के बीच में. आई एम रिपीटिंग दीज डेट्स, द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन शुड बी 1 अप्रैल 2016 टू 31st मार्च 2017, इसके कहीं पर बीच में. और यहां पर लोन सेक्शन हुआ है 1st अप्रैल 2016 को, थर्ड कंडीशन भी सैटिस्फाइड. फोर्थ कंडीशन, असेसी के पास जब लोन सेक्शन हुआ हो एक से ज्यादा घर ना हो, यहां पर मेंशन है, फोर्थ कंडीशन भी सैटिस्फाइड हो रही है. आई एम रिपीटिंग दीज कंडीशंस, द वैल्यू ऑफ द हाउस शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, द लोन अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 35 लाख, लोन मस्ट बी सेंक्शन एनी टाइम बिटवीन 1st अप्रैल 2016 टू 31st मार्च 2017 and the assessee should not own more than one house. तो यहाँ पर इनके पास कोई घर नहीं था, ये पहला घर था, first time buyers के लिए 80EE भी मिलेगा. तो इस साल हम इनको दो deduction दिलवाएंगे, 24B में 2 लाख रुपीज की maximum, और जो बाकी का 2,90,000 बच गया था interest में से, उसमें से 50,000 की deduction और मिल जाएगी. तो to sum up, 80EE 50,000, 24B 2 लाख. अब यहां पर आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, आपको पहले प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, 80EE की कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी और फिर अपना आंसर देना पड़ेगा. तो देख लीजिए आप इस तरीके से आंसर देंगे और जल्दी से ये क्वेश्चन कर लीजिए. आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए, आज का क्वेश्चन काफी ईजी था और आप जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. देखिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये जरूरी है कि आपको वो प्रोविजंस अप्लाई करना आता हो, वो प्रोविजंस सही टाइम पर याद आए. और ये सिर्फ कैसा हो सकता है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे. तो आई होप कि आप रोज के ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय.